के में बहुत ही रिलेटेबल है जी स्टोरी तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे आपके हिसाब से ये स्टोरी आई थिंक काफ़ी कनेक्ट करती है ये स्टोरी बिकॉज़ uh, लोग ये सब मैंने भी देखा है कुछ मेरे लोग पर्सनली मैं कुछ लोगों को जानती हूँ जिन्होंने अपनी लाइफ के रिलेशनशिप इसलिए छोड़ दिए कि जिनके वो साथ थे वो सक्सेसफुल नहीं थे उस टाइम और आज वो लोग उनसे कहीं ज़्यादा सक्सेसफुल हैं तो यही हमने इस uh, पाँच मिनट के गाने में दिखाया है कि uh, वो लड़की उसका साथ छोड़ देती है क्योंकि उसे लगता है कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उसे uh, नहीं रह, इधर रह के कुछ नहीं हो रहा है और उसके बाद वो एक नंबर वन राइटर बन जाते हैं बेस्ट सेलर नावल लिखते हैं तो लाइफ uh, में आपको नहीं पता कौन कहाँ किस मोड पे आपको मिल जाए और किसका क्या हो तो मुझे uh, ये चीजें होती हैं लाइफ में लोगों के साथ एंड यू शुड जस्ट टेक थिंग्स पॉजिटिव बट ठीक है पार्ट ऑफ बट मैंने ऐसा कभी नहीं किया बट डेफिनेटली ऐसा होता है ये मोसिन के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं वो बहुत प्रोफेशनल हैं और इमीजियटली कनेक्ट किया हम लोगों ने हम लोगों ने बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिला हमें कॉज दो ही दिन शूट किया और मैं नहीं जानती उनको इतना पर्सनली बट शूट के दौरान वो बहुत अच्छे थे जब आपके साथ एक अच्छा आर्टिस्ट हो एक्सपीरियंसड आर्टिस्ट हो तो सीन बहुत एक एक टेक में हमने कर दिए जहाँ सर सबकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी थी तो हम लोग इमिजिएटली कनेक्ट हुए हमारी केमिस्ट्री इमीजिएटली बिल्डअप हुई सीन के बीच में सो आई थिंक दैट इज़ समथिंग दैट शोज़ कि हमारा कम्फर्ट लेवल दिख रहा है हम लोग दोनों अच्छे से अपने कैरेक्टर्स को समझे और हमने वही दिखाया तो आई थिंक दैट इज वेरी गुड अ प्लस पॉइंट व्हेन यू हैव अ गुड आर्टिस्ट गुड टीम विद यू वर्किंग फॉर दैट और अनुला को मुझसे जानना चाहूंगी अभी जैसे कि यस एज अ साइंटिस्ट गाने को गाया है एक और गाना है जो कि इन दोनों कंट्रोवर्सी में है कि एक्टर ही गाए कि सीन्स गाड दिए नहीं ये काफ़ी दफ़ा होता है कि हम चाहते हैं कि ये लाइंस गाने में रहें hmm. तो कई बार ही होता है कि कई बार नहीं ये मोस्टली होता है कि कभी क्या होता है कि गाना वीडियो के अकॉर्डिंग मतलब नहीं जा रहा होता है या फिर ऑडियो के अकॉर्डिंग वीडियो नहीं बनता है तो कहीं कोई ग्लिच आ जाता है या फिर कई बार होता है कि जो हमको जो लाइन्स बहुत पसंद हैं वो लाइन्स पे क्योंकि क्या है क्या है कि आजकल हर हर एक आदमी इंटरफेयर करता है म्यूज़िक में चाहे वो एक्टर हो या फिर कंपोज़र हो कंपोज तो ओबियसली करेगा बट लेबल हो लेबल का कोई भी बंदा हो ए हो सबको अपने अपने अकॉर्डिंग उस गाने में कुछ ना कुछ चेंजेस कराने पड़ते हैं तो हम हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है बट अगर वो प्रेशर आपको हैंडल करना आता है तो तो आप सबके साथ काम कर सकते हो क्योंकि आजकल सबको एक ईज में काम करना पसंद है अगर आप रिजिड हो जाओगे कि नहीं यार मैं नहीं करूँगा चेंज तो फिर फिर वहाँ बात नहीं बनती है आपको उसी लाइन आपको आना चाहिए कि अगर मैंने ये लाइन दी है तो मुझे इससे बेहतर कुछ ऑप्शन देने पड़ेंगे तो वो इजीली काम हो जाता है आई थिंक आई थिंक एज एन आर्टिस्ट ऑल्सोकॉज इवन इस सॉन्ग में हमने पाँच मिनट का गाना आपके सामने आया है बट हमने शूट इससे काफ़ी ज़्यादा किया था कुछ ऐसे सीक्वेंस थे जो पर्सनली शायद मुझे बहुत अच्छे लगे थे मोहसिन को अच्छे लगे थे जिसमें हमारा लुक बहुत हमें अच्छा लग रहा था बट वो नहीं आए सीन्स इसमें सीन्स वो यूज़ नहीं हुए बट आई थिंक दैट्स अ पार्ट ऑफ आर प्रोफेशन ऐसा हर हर बार होता है मूवीज में सॉन्ग्स में सीरीज में बिकॉज ऐट दी एंड हम लोग हमेशा थोड़ा ज़्यादा ही शूट करते हैं बट वो सब कुछ आप नहीं डाल सकते एट दी एंड जब एडिट पर बैठते हैं जब डायरेक्टर सब वो उनका डिसीजन है तो एज एन आर्टिस्ट हमें इस चीज के लिए प्रिपेयर्ड होना पड़ता है तो हम लोग भी काफी एक्साइटेड होते हैं फर्स्ट कट को देखने के लिए कि फाइनली कितना यूज हुआ है बहुत बार लगता है जैसे मुझे पर्सनली इसमें एक लुक था मेरा एक पिंक आउटफिट में जिसका एक पूरा सीन था जो नहीं यूज हुआ जो मुझे लग रहा था वो माई गॉड वो क्यों नहीं यूज हुआ वो बहुत बहुत प्यारा था बट जब वो लोग बैठे उन्हें लगा वो कहीं फिट नहीं होता है तो नहीं यूज हुआ तो इट्स ओके आई थिंक दैट्स अ पार्ट ऑफ बींग इन दिस प्रोफेशन